शास्त्री की कथा सुनने इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि रास्ते जाम हो रहे हैं और भीड़ से कथा सुनने आए लोगों की सांसें फूल रही है। रविवार को लोगों की तबीयत खराब हो गई तो अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से अपील की गई है कि लोग घरों से ही कथा सुने। भीड़ को देखते हुए दिव्य दरबार को स्थगित किया गया है और अब सिर्फ कथा सुनाई जाएगी। कथा अपने समय पर रहेगी, पांचों दिन रहेगी, कथा रद्द नहीं हुई है, लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है, ढाई ढाई घंटे के लिए, तीन तीन घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे, अपने समय पर कथा होगी। और अब बाहर से चलकर आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी, ये हम आपको बता दें, भ्रम में ना रहें। कल दरबार का जो है सामूहिक अर्जी लगेगी। फिलहाल जिस तरह बागेश्वर सरकार के दरबार को लेकर बिहार में माहौल गर्म था, राजनीतिक बयानबाजी चल रही थी, इतनी भारी भीड़ के बाद ये बयानबाजी और भी तेज हो सकती है। पहले ही से ही लगता था कि जिस मात्रा में पुलिस बल या मजिस्ट्रेट की बहाल होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, मगर शासन की जिम्मेदारी बनती थी कि पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कितने नहीं कर पाए। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि शासन व्यवस्था ठीक करिए, दुराग्रह से हटिए। लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग, आप सबके लोग हैं, ये राम भक्त हैं, इनकी सेवा करिए, लोगों हादसा ना हो जाए। आप तो स्वयं थे वहां पर, मैंने देखा आपको, खुद भी आप परेशान थे, तो आपने खुद ही आकलन किया, आपको तो खुद ही बोलना चाहिए। क्योंकि दावा किया जा रहा है बिहार में कथा सुनने आने वालों के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। आसपास क्षेत्र के लोगों भर को आने देवें, क्योंकि बहुत ज्यादा समुदाय हो गया है, सफोकेशन बहुत हो गई है, श्वास लेने में भी बहुत ज्यादा वो है, हमें इतने कूलर पंखा लगे फिर भी श्वास नहीं ठीक से ले पा रही। इसलिए सब बिहारी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, और आज बिहार में पूरे भारत का रिकॉर्ड टूट गया है पागलों का। Z News।